हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अर्षद और आज हम पढ़ेंगे प्रोसीजर फॉर वर्क परमिट जो कि OSD 105 के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे हम। तो शुरू करते हैं, जिसके अंदर पहला स्टेप आता है ऑपरेट ऑन ओनर इंचार्ज कंसेप्ट। इसका मतलब ये हो गया कि जो भी वर्क परमिट सिस्टम है, जो भी वर्क परमिट है वो इशू होगा कोई भी जो उस टाइम पे इंचार्ज होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लें कि प्रोसेस यूनिट होगी, उसके अंदर जो शिफ्ट इंचार्ज होगा वो जो है वो वर्क परमिट को अलाउ करेगा काम करने के लिए उस एरिया पे, या फिर लेबोरेटरी में चीफ केमिस्ट हो गया वो। और अगर हम दूसरा जो पॉइंट है उस पर हम बात करें, ऑथराइज्ड रिटर्न शैल बी ऑब्टेन। इसका मतलब ये हो गया कि ऑथराइज्ड जो रिटर्न परमिट है वो ऑब्टेन होना चाहिए ताकि जो उसमें परफॉर्म करें वर्क इन हाइड्रोकार्बन प्रोसेसिंग में, प्रोसेसिंग यूनिट्स में या हैंडलिंग इंस्टॉलेशन वगैरह में, उसके अंदर ताकि खतरा ना हो, उसको हम पहले ही सेफ्टी प्रोसीजर्स उसके अंदर बता दें कि कैसे क्या काम करना है उसके अंदर। दूसरी बात करें हम कि परमिट शुड बी इन प्रिंटेड फॉर्म, प्रेफरेबली इन द फॉर्म ऑफ बुक्स विद टियर ऑफ फैसिलिटी। इसका मतलब ये हो गया कि जो परमिट जो है वो एक बुक टाइप में हमें उसको देना चाहिए ताकि जैसे जो उसके अंदर फैसिलिटी हो टीयर ऑफ की फैसिलिटी हो, और मतलब उसके कलर कोड भी हो ताकि वो जो रिसीवर है वो इजीली उसको आइडेंटिफाई कर सके कि ये कौन से वर्क के लिए कौन सा वर्क परमिट उसको इशू किया गया है। जैसे हम पिछले वीडियो में देखा था कि हॉट वर्क परमिट के लिए हम पिंक कलर यूज़ करते हैं, तो उसी तरह मतलब कलर यूज़ करेंगे कि ये वर्क परमिट हम इस काम के लिए दे रहे हैं। अगर हम बात करें दूसरा कि फिल केयरफुली एंड एक्यूरेटली, तो इसके अंदर जो भी डिटेल्स हैं, जो भी वो कंप्लीशन इंफॉर्मेशन वगैरह जो भी डालेगा सेक्शंस और सब सेक्शंस के अंदर, वो अपनी जो भी इंफॉर्मेशन है वो क्लियर और केयरफुली डाले, उसके अंदर कोई गलत या एस्टिमेट करके ना डाले। चेकलिस्ट शुड बी यूज्ड, इसका मतलब ये है कि उसके अंदर चेकलिस्ट होनी चाहिए कि एक एक स्टेप बाय स्टेप काम की, कि इसके अंदर ये चीज़ें मतलब हमने गैस वहाँ से हटा दी है, प्रॉपर आइसोलेशन हो चुका है, मतलब जो भी स्टेप्स होंगे उस वर्क के सेफ्टी स्टेप्स होंगे या कोई भी स्टेप्स होंगे उसके लिए हम एक स्पेशल चेकलिस्ट बनाएंगे कि ये चीज़ हमने पहले कर दी या नहीं। अगर हम बात करें कि नो हॉट और कोल्ड वर्क शैल बी अंडरटेकन, को इसका मतलब ये हो गया कि विदाउट अ वर्क परमिट कोई भी हॉट या कोल्ड जॉब जो है वो वर्कर नहीं कर सकता उस स्पेसिफिक एरिया में, जब तक उसको नहीं कोई वर्क परमिट इशू ना हो तब तक। अगर हम बात करें वर्क टू बी प्लान्ड बाय डिपार्टमेंटली और थ्रू कॉन्ट्रैक्ट, इसका मतलब ये हो गया कि कोई भी काम हो गया, जैसे कि वेल्डिंग हो गया, कोई भी हो गया जो डिपार्टमेंटली होगा या फिर कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे होगा, तो उसके अंदर जो है उस कंपनी का सुपरवाइज़र जो है वो साइन करके देगा। जैसे कि कोई भी कंस्ट्रक्शन काम हुआ, तो कंस्ट्रक्शन काम जिस कंपनी को हमने कॉन्ट्रैक्ट दे रखा होगा तो उसका जो सुपरवाइज़र वहाँ पे होगा वो साइन करेगा, उसके बाद ही वर्क आगे बढ़ेगा, नहीं तो वो वर्क नहीं कर सकते वहाँ पे उस एरिया के अंदर। अगर हम बात करें सेफ्टी ऑफिसर और फायर ऑफिसर शुड मेक अ पीरियोडिक विजिट ऑन द वर्किंग साइट, तो इसका मतलब ये है कि कोई भी सेफ्टी ऑफिसर या फायर ऑफिसर उस स्पेसिफिक साइट पे जहाँ पर काम हो रहा है वहाँ पे एक पीरियोडिक मतलब हाफ एन आवर के बाद या एक घंटे के बाद, कोई भी स्पेसिफिक टाइम के बाद वो वहाँ पे बार बार विजिट करते रहें ताकि देखें कि वर्कर वहाँ पे सेफली एक सेफ एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं या नहीं, और कोई मिस्टेक तो नहीं कर रहे, जैसे कि इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग कर रहे हैं तो उसके अंदर जो उन्होंने मतलब फेस शील्ड लगा रखी है या नहीं लगा रखी, या फिर रबर के ग्लव्स पहन रखे हैं या नहीं पहन रखे, ये सब चीज़ें वो नोटिस करके उनको बोलेंगे। और अगर हम बात करें इश्यूअर शुड ऑल्सो पीरियोडिकली चेक द वर्क साइट, इसका मतलब ये हो गया कि जो इशू करेगा वर्क परमिट को वो भी पीरियोडिकली चेक करेगा कि जो कंडीशन हमने वर्क परमिट के अंदर दी थी, सेफ्टी कंडीशन और अदर कंडीशन, वो उसके अकॉर्डिंग वर्कर्स काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। बात करें अगर हम सिंगल शिफ्ट के लिए, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो वर्क परमिट जो है
वो एक सिंगल शिफ्ट के लिए ही इशू होगा। अगर जो काम ज़्यादा बढ़ता है तो वो 7 डेज से ज़्यादा नहीं कर सक हो सकता उसके अंदर। उसके बाद 7 डेज के बाद उसे नया वर्क परमिट बनवाना पड़ेगा। और अगर हम बात करें गैस टेस्ट, नो पर्सन शुड एंटर द कन्फाइंड स्पेस अंटिल ऑल द प्रैक्टिकल मेजर्स शुड बी टेकन। इसका मतलब ये हो गया कि कोई भी बंदा कन्फाइंड स्पेस के अंदर, कन्फाइंड वेसल के अंदर का अपना काम करने के लिए नहीं जा सकता जब तक कि उसके अंदर से प्रैक्टिकल मेजर्स, मतलब गैसेस वगैरह को और उसके अंदर फ्यूम्स, जो भी हैजार्डस मटेरियल वगैरह है, वो नहीं हटा दिया जाता या फिर उसका पाथ क्लियर नहीं कर दिया जाता, तब तक कोई भी बंदा उस कन्फाइंड स्पेस के अंदर एंट्री नहीं ले सकता। और अगर हम बात करें गैस टेस्ट फॉर हाइड्रोकार्बन, गैस टेस्ट एंड ऑक्सीजन डेफिशिएंसी शैल बी मेजर्ड, तो इसका मतलब ये है कि गैस टेस्ट जो कि हाइड्रोकार्बन की होगी, ऑक्सीजन डेफिशिएंसी, टॉक्सिक गैसेस, इन सब का एक टेस्ट होना चाहिए ताकि उसमें एक परमिसिबल लिमिट तक ही हो। उससे ज़्यादा हो तो हम उसको पहले, मतलब वहाँ से गैस को क्लियर कर दें ताकि कोई भी बंदा जो वहाँ काम कर रहा है वो, उसको कोई हैजार्ड ना पहुँचे, कोई नुकसान ना हो। इसलिए अ केयरफुल एनालिसिस शुड बी मेड ऑफ द पोटेंशियल हैजार्ड्स एंड द ऑपरेशंस टू बी परफॉर्म टू डिटरमाइन द एप्रोप्रिएट सेफगार्ड्स। इसका मतलब ये हो गया कि कोई भी, मतलब वो उसका वो काम करने जाए तो उससे पहले उसका देख लिया जाए कि उसके वो पूरे अपने पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स के साथ काम कर रहा है या नहीं कर रहा। जो मतलब हॉट वर्क परमिट के लिए अलग यूज़ होते हैं PPEs, और कोल्ड वर्क परमिट के लिए अलग PPE होते हैं। इन सब का हर एक काम के अकॉर्डिंग वो अपना PPEs, सुटेबल PPEs लेके चल रहा है नहीं चल रहा है, या काम कर रहा है या नहीं कर रहा उसके उनको यूज़ करके। इसके अंदर एक पॉइंट आता है, इंश्योरिंग सिलेंडर इज आउटसाइड द कन्फाइंड स्पेस व्हेन द हॉट जॉब इज डन। इसका मतलब ये हो गया कि जो भी बंदा काम कर रहा है वेल्डिंग का, कटिंग का, कटिंग जॉब जो भी यूज़ कर रहा है, तो उसके अंदर ये इंश्योर किया जाए कि सिलेंडर, वो चाहे एसिटिलीन हो, नाइट्रोजन हो, आर्गन हो, वो बाहर की तरफ रखा जाए, और जो भी होजेज वगैरह उसके अंदर यूज़ किए गए हैं वो एक गुड कंडीशन के अंदर हो, और हरे उसके अंदर फ्लैश बैक अरेस्टर शुड बी प्रोवाइडेड फॉर कटिंग ट्रोच। और अगर हम बात करें वेल्डिंग मशीन शैल बी यूज्ड इन वेंटिलेटेड एरियाज, तो वेल्डिंग मशीन जो है वेंटिलेटेड एरियाज के अंदर हम इसलिए बोलते हैं कि वेल्डिंग मशीन्स जो जब वो वेल्ड करती हैं तो उसके अंदर से गैस, टॉक्सिक गैसेस और फ्यूम्स वगैरह निकलते हैं, जिसकी वजह से एक वर्कर का फैटल होने का या फिर उसको कोई भी हैजार्डस डिजीज वगैरह होने का खतरा होता है। तो इसलिए हम उसको वेंटिलेटेड एरियाज में ही काम करने को बोलते हैं ताकि जो ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी ना हो और जो है प्रॉपर वेंटिलेशन बना रहे ताकि फ्यूम्स जो है वो इनहेल ना करें। अगर हम बात करें एट लास्ट परमिट शैल बी क्लोज आफ्टर द वर्क इज कम्प्लीटेड, जो परमिट जो है वो क्लोज हो जाना चाहिए बाय, पहले उसके अंदर ये देखा जाएगा कि रिसीवर उससे सेटिस्फाई करेगा कि जो भी एरियाज वगैरह हैं वो क्लियर हैं या नहीं है, और उसका जो टेम्परेरी इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशंस वगैरह हैं वो सब चीज़ें चेक करके उसके बाद ही उसको क्लोज करेगा।